हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसको हम दो भागों में फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से दो भागों में हम इसे फोल्ड करेंगे। फिर इसको हम चार भागों में फोल्ड कर लेंगे। अब हमें इस बाजू की लंबाई लेनी है, जैसे कि इस बाजू की लंबाई है 16 इंच। तो मैं 16 इंच में निशान लगाऊंगी यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस पे 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ ऊपर बंद साइड से गोलाई लेनी है 3 इंच। तो मैं यहाँ 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसको भी सीधा करना है, इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे आरमोल की लंबाई देखनी है, तो इसकी लंबाई है 8। तो यहाँ पर टिक कर देंगे और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से बाजू की गोलाई देंगे, गोलाई है इसकी 8 और इसका आधा 4 पे हम इसका निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से गोलाई देनी है आरमोल की, तो हम इस तरह से आरमोल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए, निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हम कैंची से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। अब हम इस फिटिंग के निशान पे कट कर देंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो, और एक कट यहाँ आगे से भी कर देंगे और एक कट यहाँ ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, अब इसको खोल के हम इसकी गोलाई देंगे यहाँ से, इस तरह से गोलाई देनी है। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।